हेलो एंड वेलकम टू द स्टूडियो मेंबर्स। आज हमने दो ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे। फर्स्ट था हमारा M6 एंड सेकंड था PVR। PVR और M6 इन दो ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया था और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपके साथ जिसको हम आज के दिन शेयर करेंगे, जिसका कि ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए एक टेक्निकल एनालिस्ट अक्सर उसका यूज करता है, जिसे बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। अब ये ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है विद वॉल्यूम एंड प्राइस समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले इस ट्रेड को समझ लेते हैं, क्योंकि जो PVR का ट्रेड है इसको करने के लिए हमने आज ट्रेंड रिवर्सल का ही यूज किया था एंड ट्रेंड रिवर्सल के माध्यम से ही हमने आज का PVR का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। PVR के अंदर देखिए हमने जो अपनी एंट्री ली थी 1881.25 पर हमारी एंट्री थी एंड स्टॉप लॉसेस जो हमने लगाए थे, जस्ट जो मेरा डे लो था जिस वक्त हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, उस वक्त का डे लो मेरा स्टॉप लॉस बना था। हाईस लोस एंड ये हाईस के जो ब्रेकआउट थे यहाँ पर अपनी कन्फर्मेशन के साथ हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, पहली चीज। दूसरा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कल मार्केट हमारी जब क्लोज हो रही थी तो यहाँ पर एंड होते होते एक वॉल्यूम आई थी, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम आई थी एंड प्राइस अपने सपोर्ट्स के ऊपर जाकर क्लोज हो गया था और ये वाली जो वॉल्यूम थी काफ़ी दिनों से ज़्यादा वॉल्यूम हमारी आई थी। अभी इसको डीप में डिस्कशन करते हैं। एंड M6 में एक्चुअली जब प्राइस ने अपने सपोर्ट्स के ब्रेकआउट किए थे, यहाँ पर भी एक तरह से हमने क्या किया था कि प्राइस में कॉन्टिन्यूशन जो होता है, एक ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन, यहाँ पर रिवर्सल नहीं था, ये कॉन्टिन्यूशन था एक तरह से। सपोर्ट, ब्रेकआउट, हायर हाई, हायर लोज एंड यहाँ पर देखिए सपोर्ट्स मेरे ब्रेक हुए, तो जिस तरह से प्राइस मेरा डाउन साइड की तरफ गिरा था उसी को हमने कंटिन्यू करने की कोशिश की थी, बट मार्केट पूरी तरह से साइडवेज रही है। एक भी यहाँ पर देखिए जो हमको प्रॉफिट हुआ था M6 के अंदर का, प्रॉफिट नहीं लॉस, 1036.15, 1000 रुपये का लगभग लॉस हुआ था एंड PVR ने हमको जितना भी लॉस वगैरह था सारा का सारा रिकवर हो गया था एंड ठीक ठाक प्रॉफिट हमको PVR के अंदर से मिला। अब चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, ट्रेंड रिवर्सल। अब ट्रेंड रिवर्सल क्या है इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ट्रेंड को समझना पड़ेगा कि ये ट्रेंड एक्चुअली होता क्या है। सभी लोगों को मालूम होगा, फिर भी एक मोटा मोटा हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं। प्राइस का किसी भी डायरेक्शन में एक कॉन्टिन्यूस फॉल होना, कॉन्टिन्यूस अप जाना, मतलब राइज या फिर फॉल, एक ट्रेंड होता है। अब ये ट्रेंड आपका डायरेक्टली भी हो सकता है और दूसरा होता है चैनल्स के थ्रू। चैनल्स लाइक कि प्राइस मेरा इस तरह से किसी एक चैनल पर ट्रेड कर रहा है, हायर हाई हायर लोस, हायर हाई हायर लोस, या फिर लोअर लो लोअर हाइस, लोअर लो लोअर हाइस, लोअर लो लोअर हाइस, यानी कि प्राइस जो अपना हाई है इसका, इसको प्रोटेक्ट करते हुए प्राइस अपने लोस को ब्रेक करता है। इसका मतलब लोअर लो और लोअर हाई, हाइस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है मार्केट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ट्रेंड से प्राइस हमारा गिर रहा है, इसने लोअर हाई लगाया, अगेन लोअर लो, अगेन लोअर हाइस, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाइस। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, एक एक चीज़ है कि जैसे सबसे पहले तो यहाँ पर हमको हाइस प्रोटेक्ट होते हुए नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखिए हाइस प्रोटेक्ट हुए हैं, यहाँ पर अगेन हाइस प्रोटेक्ट हुए हैं और सपोर्ट्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं, सपोर्ट्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स कैसे हुआ है, मतलब कि प्राइस अगर अच्छी तरह से डाउन साइड की तरफ फॉल हो रहा था यानी कि ट्रेंड में था, तो इस ट्रेंड का रिवर्सल कहाँ पर आया है, इसको हम लोग पता कैसे चलेंगे। ऐसे देखिए लो हाई, यानी कि ये एक लो लगा और ये हाई लगा, अगेन यहाँ पर देखिए लो के बाद में हाई, मतलब कि हाई प्रोटेक्टेड है एंड लो ब्रेक हो गया मेरा, ये एक ट्रेंड है, ट्रेंड का कॉन्टिन्यूएशन है और यहाँ से देखिए प्राइस ने वापस अपने हाईस को प्रोटेक्ट किया एंड फिर से लो। अब ये ट्रेंड मेरा रिवर्स कहाँ से हुआ है, यहाँ से जब प्राइस मेरा अपसाइड की तरफ निकल गया। अब अगर हमें ट्रेंड रिवर्सल को ट्रेड करना है तो कुछ रूल्स है जिन्हें फॉलो करना होगा, जिसमें से सबसे पहला रूल है आइडेंटिफाई ए बेरिश या फिर बुलिश ट्रेंड वेयर प्राइस मेकिंग ए लोअर लो एंड लोअर हाई, या फिर बुलिश ट्रेंड में क्या देखना होगा हमें, हायर हाई हायर लोस, ये मार्क करना होगा। अभी हायर हाई एंड हायर लोस के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हमने बना करके अपने चैनल पर पोस्ट कर रखे हैं, आप उनको देखोगे ना बहुत सारी हेल्प आपको मिलेगी। यहाँ पर जैसे कि क्या हो रहा है, आपको एक लो, जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको एक लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, बहुत साफ साफ दिख रहा होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, अपना रूल नंबर जो 2 है, रूल नंबर 2 कहता है एनालाइज द लोअर लो एंड लोअर हाईस और हायर हाई और हायर लोज विद वॉल्यूम। अब जब हम हायर हाई और लोअर लोज को विद वॉल्यूम समझने की कोशिश करते हैं तो इसमें किन किन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर या फिर किन पॉइंट्स के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। देखिए जितने भी पॉइंट्स अभी हमने मार्क्ड किए हैं ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले। अब जो वॉल्यूम्स भी हमें देखनी है, मान लीजिए कि प्राइसेस के अंदर वॉल्यूम्स मेरे इंक्रीज होने शुरू हुए, यहां पर मेरी वॉल्यूम्स आई, कोई भी एक कैंडल है जहां पर वॉल्यूम्स मेरी ज्यादा बढ़ रही हैं, ज्यादा मात्रा में वॉल्यूम आ रही है, उस केस में हमें क्या करना होगा, जिस भी कैंडल में ज्यादा वॉल्यूम है
ऑब्वियस सी बात है वो मेरी इंपॉर्टेंट कैंडल फॉर्म होगी। आज का भी जो हमने ट्रेड अपना एग्जीक्यूट किया था इसके थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमने वॉल्यूम के थ्रू प्राइस को आइडेंटिफाई किया, जो कि 915 के लो के नीचे हमने जस्ट अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। अभी समझेंगे उसको आगे चल करके। सबसे पहले वॉल्यूम के थ्रू आप लोअर लो एंड लोअर हाइस को समझिएगा कि जब प्राइस अपना लोअर लो और लोअर हाइस लगा रहा है, लोअर लो एंड लोअर हाइस के साथ में यहाँ पर वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रही है। ऑब्वियस सी बात है जहां पर प्राइस हमारा अपसाइड की डायरेक्शन हमें शो कर रहा है इस जगह पर, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल है और यहां पर अगर वॉल्यूम्स आ जाती है मेरी तो प्राइस को क्या करना होगा, इसके ऊपर में निकलना होगा। और अगर प्राइस मेरा इस कैंडल के लो को ब्रेक कर देता है, मतलब कि ये एक परफेक्ट लोअर लो कंडीशन है, लोअर लोस एंड लोअर हाइस, अगेन प्राइस यहां पर आता है, मतलब कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, अब प्राइस यहां पर हाइस को ब्रेक कर देता है, इस वाले हाई को, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आपको लग रहा होगा, इसको जस्ट सिंपल बनाने की कोशिश करिए कि यहां पर आपके साथ एक वॉल्यूम, जैसे अपसाइड की वॉल्यूम थी ना, अब प्राइस हमारी इस एक कैंडल की वॉल्यूम को, यहां पर हमारी वॉल्यूम ज्यादा आई थी, अब प्राइस ने क्या किया, हाई तो ब्रेक किया है बट अपना जो प्रीवियस हाई है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, इस वाले हाई को, यहां से प्राइस मेरा प्रोटेक्ट हुआ और इस रेजिस्टेंस के पास से ही प्राइस मेरा डायरेक्ट नीचे की दिशा में फॉल हो गया, यहां से अपसाइड की तरफ गया और फिर से ये गिर गया। अब क्योंकि गिर करके प्राइस ने अपसाइड का एक और मूव दिखाया है, फिर से क्या होगा, वॉल्यूम्स के यहां पर आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ेंगे इससे पॉइंट। अब फिर से प्राइस ने क्या किया कि एक हायर लो लगा दिया, यहां पर देखिए लोअर हाई, अब लोअर हाई के साथ में प्राइस ने अपसाइड के जो डायरेक्शन है यहां पर अपना एक डायरेक्शन दिखाया, ट्रेंड को रिवर्स करने का साइन, जिस तरह से यहां पर वॉल्यूम आई थी प्राइस ने अपने इस हाई को प्रोटेक्ट किया बट पिछला जो हाई था इसके ऊपर नहीं निकल पाया और यहीं से नीचे गिर गया। अब यहां पर क्या हो रहा है कि प्राइसेस के अंदर जो वॉल्यूम है अगेन वो इंक्रीज हो रहे हैं अपसाइड की तरफ और प्राइस क्या कर रहा है, अपने हाईज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और जो लोज हैं ये वाले लोज हैं इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। देखिए ये एक बार दो बार या तीन बार की चीज़ नहीं, कि आप पहली चीज़ तो अगर ये समझने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो एक बार या दो बार इसको देखना, कुछ अगर डाउट आता है ना तो उसका कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करना, इसका जरूर से जरूर हम रिप्लाई करेंगे, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा, दो बार तीन बार वीडियो देखिएगा तो बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर मार्केट करती क्या है ना, अपने प्रीवियस हाई को लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाईज में अपने लोअर हाई को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है और यहीं पर जो वॉल्यूम्स होते हैं इनके चांसेस बढ़ते हैं आने के। अब अगर ये वॉल्यूम्स अपसाइड की तरफ ब्रेक हो जाती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सिंपली ट्रेंड रिवर्स, जैसा कि यहाँ पर हुआ। देखिए बहुत घीच पीच हो गया ना, यहाँ पर लाइंस काफ़ी सारी हो गई, इसको देखिए और हम सिंपल करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोज़ बनाने में और आप लोगों तक इसको शेयर करें, सपोर्ट बनाए रखिएगा। एंड आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर एक रिवर्सल हुआ, कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि इसने एक इस पॉइंट पर अपना एक लोअर लो लगाया और वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि कल की मार्केट में क्लोज होते थे वहां पर वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गई, अब यहां से प्राइस मेरा अपसाइड की तरफ गया, ओके, मतलब कि लोस को प्रोटेक्ट किया और प्राइस ने अपने हाईज को ब्रेक किया, ये वाले जो हाईज हैं इनको मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की यहां से, रिवर्सल्स। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल हमारा कहता है वेट अंटिल प्राइस मेक्स ए हायर लो। अब ये हायर लो क्या है, क्योंकि यहां से जब प्राइस हमारा नीचे की तरफ गिर रहा था तो ये लोअर लो और लोअर हाईज लगाते हुए आ रहा था। अब हायर लो किस तरह से, कि प्राइस ने नीचे गिरते में ये जो हाई लगाया है, हाई लगाने के बाद में प्राइस नीचे की दिशा तक आया और इसने अब क्या किया, अपना लो, अपने लोस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, इस कैंडल का हाई ब्रेक, समझ रहे ना, अपना स्विंग हाई, हायर लो ब्रेक करने से पहले प्राइस ने अपनी इस एक कैंडल का हाई ब्रेक किया। अभी ये भी काफी इंपॉर्टेंट कैंडल होती है हमारी, इस कैंडल के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे बिकॉज कई सारे डिसीजन होते हैं जो कि इस कैंडल तक आते आते क्लियर हो जाते हैं। अभी अपने टॉपिक, अपने पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं। यहां पर मार्केट क्या करे, अपने इस हायर लो को ब्रेक कर रही, वेट अंटिल प्राइस मेक्स ए हायर लो, मतलब कि जब तक प्राइस अपने हायर लोस को ब्रेक ना करने लग जाए ना तब तक वेट करो, और इससे पहले अगर हमें डिसीजंस मिलते हैं तो अपनी इस कैंडल के आधार पर प्राइस जैसे जैसे यहां से अपने लोस को प्रोटेक्ट करके हाइज की तरफ बढ़ती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग और भी देख सकते हैं स्टॉक के साथ साथ में, इस स्टॉक को अपसाइड की तरफ ले जाने के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको कि हम एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन के तौर पर यूज़ करते हैं, रूल नंबर थ्री। एंड अब लास्ट रूल आता है रूल नंबर फोर। रूल नंबर फोर क्या बोलते हैं, क्रिएट और पोजिशन वेन प्राइस रिटेस्टेड द मिडिल ऑफ द चैनल और रेंज, मतलब अपनी ये जो रेंजेस हैं
यहाँ पर जब प्राइस आपको रीटेस्ट करता हुआ नजर आ जाए, वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइस मेरा अपसाइड की तरफ जाकर के क्लोजिंग दे रहा है, और अगेन जब इस जगह पर अपनी रेंज के अंदर ही ये बार बार रीटेस्ट होने लग जाए, अपने लोस को प्रोटेक्ट करने लग जाए, हम यहाँ पर अपनी पोजिशन को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करने के बाद में हम लोग यहाँ पर अपना एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। आई होप ये पूरा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अभी चलते हैं सीधे चार्ट्स के ऊपर एंड अब इस ट्रेंड रिवर्सल को अपने चार्ट्स के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। परफेक्ट, ये हमारा पीवीआर का चार्ट। अभी पीवीआर के चार्ट में जैसे कि हमने बताया आपको कि प्राइस हमारा लोअर लोस एंड लोअर हाइज फॉर्म कर रहा है। इस तरह से प्राइस का अपने किसी एक सपोर्ट पर आ जाने का हम वेट करेंगे हायर टाइम फ्रेम पर। अभी जब हम हायर टाइम फ्रेम पर चलेंगे तो प्राइस का अपनी एक रेंज पर आ जाने का वेट करेंगे एंड रिवर्सल्स अगर हमें यहाँ पर दिखते हैं ना तो ये बहुत ज्यादा कंफर्मेशन के साथ प्राइस हमको ट्रेड करता हुआ यहाँ से मिलेगा। एक पॉइंट और क्या ऐड हुआ इसके अंदर कि हायर टाइम फ्रेम के जो सपोर्ट्स होते हैं मेरे, प्राइस हमारा लोस हाइस लोस हाइस लोस हाइस करते हुए गिर तो रहा है नीचे की तरफ, मतलब कि लोस इसके ब्रेक हो रहे हैं, बट लोस ब्रेक कहाँ पर होना बंद हो गए, जहाँ पर हाई टाइम फ्रेम का इसको सपोर्ट मिला और इस सपोर्ट से वॉल्यूम्स के इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ और प्राइस ने अपने हाइस को ब्रेक किया, मतलब कि ट्रेंड को रिवर्स करने की कोशिश की गई। क्लियर। अभी देखिए ये मेरा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है पीवीआर का। यहाँ पर एक लाइन आपको दिख रही होगी जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है कि प्राइस मेरा नीचे की तरफ गिर रहा है, इसके अंदर वॉल्यूम्स गिर भी रहे हैं। यहाँ से देखिए आप 1st of April, 4th, 5th and 6th लगातार चार दिन तक वॉल्यूम्स मेरे इंक्रीज हुए हैं और डिक्रीज हुए हैं एंड डिक्रीज होने के बाद में 7th के बाद से प्राइस की वॉल्यूम्स इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गए। 7th को भी इंक्रीज हुई हैं, 11th को भी इंक्रीज हुई है, मतलब कि जो हमारी 66 से ज़्यादा के तीनों की वॉल्यूम है, मतलब कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्राइस अपने एक सपोर्ट पॉइंट पर है। क्लियर है। इन्हीं कैंडल्स में से इन्हीं ग्रुप ऑफ कैंडल्स में से एक कैंडल है जिसको कि एज अ सपोर्ट हमने कंफर्म किया है एंड सपोर्ट के आइडेंटिफिकेशन के बाद में आज हमको प्राइस मिला एग्जैक्ट उसी लेवल पर, हमको प्राइस मिला हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट पॉइंट्स पर। अब आ जाते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट्स पर देखिए इस लाइन को हम लोग कर देते हैं डिलीट। थोड़ा सा देखिए कॉन्सेप्ट बड़ा है, समय ज़्यादा लग रहा है, बट चीज़ बहुत अच्छी तरह से और प्योरिटी के साथ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो टैलेंट नहीं है हमारे पास कि 5 मिनट की चीज़ को हम आपको 1 मिनट में ही बता दें या आधे घंटे की चीज़ को फटाफट बोल करके 5 मिनट बता दें। वो क्लियर नहीं होती, हमको मालूम है। अगर कोई पॉइंट है, अगर आपका 15 मिनट उसको समझाने में लग रहा है, आपको नहीं उसको 5 मिनट में समझा सकते, आपको उसमें से कुछ ना कुछ एडिट करना ही पड़ेगा। कुछ भी एडिट ना करना पड़े, एक एक कैंडल हम आपके साथ शेयर कर सकें, यही कोशिश मेरी रहती है। प्राइजेस के ये कुछ सपोर्ट पॉइंट्स हैं। अब इन सपोर्ट्स पर देखिए कल क्या हुआ है। प्राइस हमारा लोअर लो, अच्छा ये लोअर लो लोअर हाइस यहाँ पर हम आपको ड्रॉ करके दिखा दें। लोअर लो लोअर हाइस, लोअर लो लोअर हाइस यहाँ पर हमारे फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए लोज मेरे ब्रेक हो रहे हैं, ये जो लो है ये ब्रेक हो रहा है, हाई लो हाई लो, ये सपोर्ट पर आ गया मेरा प्राइस हाई टाइम फ्रेम जो कि ऑलरेडी हमारा मार्क्ड है। प्राइस यहाँ से फिर अपसाइड की तरफ गया, मतलब कि जो हाईज हैं ये प्रोटेक्टेड है मेरे। लो यहाँ पर देखिए क्या किया है मार्केट ने, 11th प्राइस मेरी रेंज के बाहर निकलने की कोशिश इसने की। कल के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस ने हमारी रेंज की तरफ बाहर निकलने की कोशिश की बट सस्टेन नहीं हो पाया वो और नीचे की तरफ ही गिर गया, गिरा बट क्लोज होते होते इसके अंदर कल के दिन वॉल्यूम्स आ गए। यहाँ पर कल मार्केट ने क्लोज होते होते अपनी वॉल्यूम्स इंक्रीज कर दी थी। जब आप पूरे दिन से ये वाली वॉल्यूम, मतलब कि 3:20 की वॉल्यूम को कंपेयर करोगे तो देखिए काफ़ी दिन से ज़्यादा की वॉल्यूम का ये ब्रेकआउट आया है एग्जैक्ट हमारे सपोर्ट लेवल पर और आज की मार्केट की ओपनिंग भी अपसाइड दे रही थी। सारी रेंजेस जितनी भी थी हमने सबको डिलीट कर दिया। 3:20 की कैंडल का हाई मार्क कर लो। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, अपने हाइज को ब्रेक करने की कोशिश की है। कैसे देखिए, मतलब कि मार्केट अपने लोज को प्रोटेक्ट कर रही है और अपने हाइज को ब्रेक कर रही है और ये इसकी रेंज बन जाती है पूरी। क्लियर। और जो वॉल्यूम्स भी आई ये हमारी रेंज के अंदर की तरफ आई। यहाँ से प्राइस क्या कर रहा है, मतलब मॉर्निंग में जिस कैंडल ने हमारा हाई ब्रेक किया यानी कि 9:15 की कैंडल, हमें जस्ट इसका लो मार्क कर लेना है। जिस कैंडल ने मेरा स्विंग हाई ब्रेक किया है हमने यहाँ पर उस कैंडल का लो मार्क कर लिया एंड लो मार्क करने के बाद हमको दिख रहा है कि प्राइस रीटेस्ट करने के बाद में अप साइड की तरफ चला गया, मतलब कि अपनी इस वाली कैंडल के ऊपर और 9:15 की रेंज के अंदर। ये वाली जो रेंज आप देख रहे हो ना ये हो जाती है इंपॉर्टेंट और यही बन जाता है मेरा आज के लिए सपोर्ट पॉइंट जहां पर हमने अपनी एंट्री क्रिएट की। क्लियर है। यहां पर हमको हमारी एंट्री मिली थी एंड स्टॉप लॉस के लिए हमने जस्ट क्या किया था, अपने स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाया था 874.55। ये हमारा आज का स्टॉप लॉस बना। क्लियर है। जस्ट हमने क्या किया, अपने इस स्विंग के पास में अपना स्टॉप लॉस रखा एंड एंट्री जो हमने इसके अंदर अपनी ली है 1881.25 की हमारी एंट्री है। ये मेरा एंट्री का पॉइंट बना।
अब यहाँ पर देखिए जितनी भी लाइन्स हैं इन सबको डिलीट करेंगे जिससे कि चार्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा हमारा स्टॉप लॉस और एंट्री हमने किस तरह से अपनी डिफाइन की। ये मेरा एंट्री का पॉइंट बना, ओके। एंड जो टारगेट्स हमने इसके अंदर अपने लगाए थे 1923.50 के मेरे टारगेट्स एक्चुअली थोड़ा सा बड़े थे, जस्ट प्राइस हमारे टारगेट्स पर दोबारा नहीं गए, इस वजह से हमने क्या किया कि 1923 पर ही अपने जितने भी प्रॉफिट्स थे सारे के सारे बुक कर लिए। बाद में प्राइस मेरा अपसाइड की तरफ दोबारा गया नहीं है। ये मेरा टारगेट का पॉइंट है। अब जब आप इन टारगेट्स को भी देखोगे ना तो हमने क्या किया है, अपने इन लेवल्स के पास में ही, जैसे कि जो मेरे स्विंग हाइस बन रहे थे इनके पास में हमने अपने टारगेट्स को बुक किया। एग्जैक्ट ये वही लेवल है जहां से प्राइस मेरा बार बार नीचे की तरफ गिर रहा था। यहां पर हम बुक नहीं कर पाए बिकॉज वहां पर दोबारा फिर प्राइस नहीं गया। अगर दोबारा आता तो हम बुक कर सकते थे। देखिए प्राइस अपसाइड की तरफ गया और फिर ये नीचे गिर गया था। तो जितने भी टारगेट्स थे हमारे वो 1923.50 पर ही हमको हमारे जितने भी टारगेट्स थे सारे के सारे बुक कर लिए। आज का जो ट्रेड था ओवरऑल ट्रेंड रिवर्सल पर बेस्ड था। आई होप कि जो भी चीज़ हमने आपको समझाने की कोशिश की है हम उसमें कामयाब रहे होंगे। फिर से हम कह रहे हैं अगर कोई भी इशू हो, कुछ भी आपको डाउट लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ज़रूर हम उसका रिप्लाई करेंगे, ओके। एंड जो दूसरा हमारा ट्रेड था वो M6 था। M6 में हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि वो ट्रेंड रिवर्सल था और ये ट्रेंड का कॉन्टिन्यूएशन। ये दो ट्रेड थे जिनको कि आज के दिन में ट्रेड एग्जीक्यूट किया था एंड ओवरऑल जो आज का अपना प्रॉफिट था 17,841 का प्रॉफिट हमने आज के सेशन में बुक किया था। सो आई होप कि पूरा का पूरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा इन द सेंस कि आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। अब ये कोई एंटरटेनिंग चैनल नहीं है जहाँ पर हम आपको एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट फोकस के साथ समझने की और प्राइस एक्शंस को रीड करने की कोशिश की। थैंक यू, गुड बाय एंड वी विल मीट अगेन।